अब हमें थोड़ी सी नॉलेज हो गई है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है, और किसी भी मैकेनिज्म में कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर हो सकते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड्स जो दो लिंक्स होंगे उनके अंदर इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे होगा। तो अब आता है उसके बाद कैनेडी और द थ्री सेंटर्स इन अ लाइन थ्योरम। कैनेडी और थ्री सेंटर इन अ लाइन थ्योरम ये बोलती क्या है कि अगर मेरे पास तीन लिंक्स हैं ना ज्वाइन किए हुए, मान लेते हैं एक लिंक ये है, दूसरा लिंक ये है, तीसरा लिंक ये है। लेट अस कंसीडर कि दिस लिंक इज लिंक ए एंड लिंक बी एंड लिंक सी। ए और बी यहाँ पे पिन ज्वाइंट हैं, ए और सी यहाँ पे पिन ज्वाइंट हैं, बी इस तरफ मूव कर रहा है, सी इस तरफ मूव कर रहा है। दिस इज़ द जॉइंट ऑफ बी एंड सी। अब ये थ्योरम कहती क्या है कि थ्री बॉडी मूव्स रिलेटिव टू ईच अदर। अगर तीनों बॉडी एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रही हैं तो तीनों का जो सेंटर है इंस्टेंटेनियस सेंटर वो एक ही लाइन में आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। मतलब कुछ ऐसा, पहले का इंस्टेंटेनियस सेंटर दूसरे का, तीसरे का। क्लियर है? ये थ्री सेंटर इन अ लाइन, और ये कंडीशन होगी भी। बट इसको प्रूफ करना है हमें। तो मैंने क्या किया, एक मैंने लिंक ए ले लिया है, एक लिंक बी और एक लिंक सी ले लिया है। ए एंड बी आर कनेक्टेड विद पिन ज्वाइंट, तो ये जो सेंटर होगा वो होगा आई ए बी, और ये वाला सेंटर होगा आई ए सी। ठीक है, दोनों ही सेंटर क्या होंगे, परमानेंट सेंटर होंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कोई भी फिक्स सेंटर नहीं ले रहा हूँ, परमानेंट सेंटर हैं दोनों। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अच्छा ये सेंटर क्या होगा, बी सी। अकॉर्डिंग टू कैनेडी थ्योरम मेरा जो बी सी है, आई बी सी है, वो कहीं यहाँ पे या यहाँ पे इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, बट प्रूफ करने के लिए मैं मानूंगा कि वो इस लाइन में नहीं है, वो कहीं बाहर है। तो सबसे पहले मुझे तीन लिंक हैं तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कैलकुलेट करना होगा। वो क्या है, एन एन माइनस वन बाई टू। अगर मैं पुट करूँगा वैल्यू थ्री इंटू टू बाई टू, तो मेरे पास तीन इंस्टेंटेनियस सेंटर आ जाएंगे, और वो कौन कौन से हैं, आई ए बी, ए और बी में, ए और सी में, और बी और सी में। मान लेते हैं कि बी और सी बाहर है, वो आई ए बी और आई ए सी की लाइन में नहीं है। अगर बी और सी बाहर है तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कॉमन है किसके अंदर, बी के अंदर भी और सी के लिए भी, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले ये वाला पॉइंट लाइज ऑन बी, पॉइंट लाइज ऑन लिंक बी। अगर वो बी के ऊपर लाई कर रहा है, देन वेलोसिटी किसकी, बी सी पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, वी सी विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग आई ए बी एंड आई बी सी। इट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ हो जाएगी, इस लिंक के परपेंडिकुलर। ठीक है, कब, जब इस पॉइंट को मैं लिंक बी के ऊपर कंसीडर करूँगा। अब जब लिंक सी के ऊपर कंसीडर करूँगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है? यानी एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन में वेलोसिटी, वो भी लीनियर वेलोसिटी, है ना। वी बी सी भी लीनियर है, इस तरफ है जो, और इस तरफ भी लीनियर वेलोसिटी है।
ठीक है, जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि जब दो लिंक पिन ज्वाइंट हैं तो उन दोनों की जो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, यानी रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी है, वो ज़ीरो होगी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक लिंक लीनियरली मूव कर जाएगा दूसरी तरफ। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट की दो डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगी। इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे लाई नहीं करेगा, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे या यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ लोकेटिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर। मेथड ऑफ लोकेटिंग आईसी इन अ मैकेनिज्म। किसी भी मैकेनिज्म में मुझे आईसी लोकेट करने हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करने हैं, उसके मेथड क्या हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, फोर बार मैकेनिज्म, फोर बार मैकेनिज्म, ओके, ठीक है। इसके अंदर मैंने फोर बार मैकेनिज्म कंसीडर कर लेता हूँ मैं। ओके, तो उसके अंदर मैं एक फिक्स लिंक रख दूंगा। ठीक, तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होते हैं फोर बार में, सिक्स है ना, हमें मालूम है, एन एन माइनस वन बाय टू। जब मैं फोर वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा छः। अब छः सेंटर मुझे मालूम करने हैं। मान लेते हैं कि ये लिंक नंबर वन है, ये लिंक नंबर टू है, ये लिंक नंबर थ्री है, ये लिंक नंबर फोर है। ये सभी पिन ज्वाइंट हैं जो हम तक अभी तक करते आए हैं। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें जितने लिंक हैं वो लिख लेने हैं, वन टू थ्री फोर। जो पहले वाला लिंक है वो साथ वाले सभी के साथ इंस्टेंटेनियस सेंटर बनाएगा, आईसी बनाएगा। सेकंड वाला अपने साथ वालों के साथ बनाएगा राइट साइड पे, थर्ड वाला राइट साइड पे, ओके, बस फोर्थ के राइट साइड कोई नहीं है। तो जस्ट काउंट कीजिए इन सभी को, तो ये टोटल नंबर ऑफ सिक्स हैं, सिक्स आईसी हैं। ठीक है, अब मुझे इनको लोकेट भी करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये वाला कौन सा है, एक और चार के बीच में है, तो मैंने लिख दिया एक और चार, ये फिक्स है। ओके, यहाँ पे हो गया है। ये कौन सा है, एक और दो के बीच में है, हो गया, ये भी फिक्स था, ये परमानेंट है, दो और तीन के बीच में, ये भी क्या है, परमानेंट है, तीन और चार के बीच में। व्हाट लेफ्ट, हमारे पास एक ये रह गया और एक ये रह गया लोकेट करना। ठीक है, आई वन थ्री, ये ऐसे लोकेट नहीं होगा, इसका एक मेथड है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक सर्कल बना लूँगा। ठीक है, सर्कल में जितने लिंक्स हैं उतने पार्ट्स में मैं सर्कल को डिवाइड कर दूंगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, जो जो मेरे सेंटर फिक्स हैं, परमानेंट बन चुके हैं, उनको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। वन फोर बन चुका है तो मैं वन फोर को ज्वाइन कर दूंगा बोल्ड लाइन से। वन टू बन चुका है तो मैं वन टू को भी ज्वाइन कर दूंगा। टू थ्री बन चुका है तो मैं टू थ्री को भी ज्वाइन कर दूंगा। थ्री फोर बन चुका है तो मैं थ्री फोर को भी ज्वाइन कर दूंगा। ओके, क्लियर है। और चारों बन चुके हैं, अब रह क्या गया, वन थ्री, मुझे फाइंड आउट करना है वन थ्री। इनको डॉटेड बना लीजिए। ठीक है, वन थ्री को जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास दो ट्रायंगल बननी चाहिए, एक तो ये बन रही है वन टू थ्री वाली और एक वन फोर थ्री वाली, दो ट्रायंगल बन रही है। गुड, तो
1 3 को ज्वाइन करने के लिए पहले एक राइट साइड वाली ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें कौन कौन से लिंक हैं, कौन कौन से लिंक्स हैं, 1 और 2 है ना। 1 और 2 का सेंटर देखिए कहाँ पे है, ये रहा 1 और 2 का सेंटर। ओके 3 और 4 सॉरी 2 और 3, 2 और 3 का सेंटर ये रहा। पहले तो इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है, मैं दोनों तरफ कर दे, चलिए दोनों तरफ कर देता हूँ वैसे तो। ओके चलिए दूसरे तरफ आ जाइए इस ट्रायंगल में। 1 4 1 4 वाला सेंटर ये रहा, 3 4 3 4 वाला सेंटर ये रहा। अब इस लाइन को भी एक्सटेंड कीजिए दोनों तरफ, पर अगर एक तरफ कट जाती है तो दूसरी तरफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये मेरा क्या आया, I 1 3। ओके ठीक है, अब मुझे क्या मालूम करना है, I 1 3 भी हो गया, 2 4, 2 4 को ज्वाइन कीजिए, I 1 3 को बोल्ड कर दीजिए। 2 4 ने फिर 2 ट्रायंगल बना दिए हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल, एक तो है ट्रायंगल 4 1 2 है ना, एक है 2 3 4। चलिए मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ पहले, 4 1 2 वाली। 4 1 यानी ये रहा मेरा एक लिंक, 1 2 यानी ये रहा एक, तो ये सीधी लाइन इसको एक्सटेंड कर दीजिए 2 सेंटर लेके। दूसरी तरफ क्या है, 2 3 2 3 ये रहा, और 3 4 ये रहा, इसको भी एक्सटेंड कीजिए। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरा, I 2 4। सो बाय दिस मेथड यू कैन ईजली फाइंड द वेरियस सेंटर्स। ओके थैंक यू।